और आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे पार्टनरशिप चैप्टर का गुडविल के कंसेप्ट के बारे में। सो आज जो डिस्कशन होगा गुडविल, सो गुडविल में दो चीज के बारे में हम लोगों को बात करना, एक रिलेटेड टू वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के बारे में बात करना हम लोगों को रहेगा, और दूसरी गुडविल की अकाउंटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो जो पार्टनरशिप चैप्टर में गुडविल के जो कैलकुलेशंस होते हैं, उसकी जो अकाउंटिंग होती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि गुडविल क्या चीज है, मतलब क्या होता है, पहले तो वो बात करते हैं, फिर वैल्यूएशन इस सब पे मैं आता हूं। तो गुडविल अगर अपन देखें, कोई किसी की, कोई ब्रांड की इतनी रेपुटेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि नागपुर में एक दुकान है और काफी फेमस है, हो सकता है आपकी सिटी में भी वो, हल्दीराम, और उसकी मिठाइयां इतनी फेमस है कि वो अच्छी ही होती है। तो हल्दीराम के सामने अगर हो सकता है कोई और दुकान भी हो, लेकिन स्टिल मैं प्रेफर करूंगा कि मैं कहां जाऊं, हल्दीराम जाऊं, और वहां पे जाके ही मैं मिठाई खरीदूं। तो क्यों? क्योंकि उसकी रेपुटेशन है, उसकी क्या है, रेपुटेशन है, तो इंसान वहीं जाता है। अब मैं कहता हूं कि मैं वहीं जाके मिठाइयां लूं क्योंकि उसकी रेपुटेशन है। अब मैंने कहा कि अब गुडविल जो है, हल्दीराम की गुडविल जो है, उसकी रेपुटेशन जो है, तो हल्दीराम के अगर आप देखोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, कोई ऐसा कोई गुडविल, ऐसी कोई प्रोडक्ट तो नहीं है कि जो हल्दीराम जो ओनर है वो कहता होगा कि चलो चलो चलो, आज जैसे उसकी दुकान में अगर अपन गया तो वहां पे आपको बहुत सी फिक्स्ड एसेट दिख रही है, वहां पे आपको फर्नीचर दिख रहा है ना, हो सकता है कुछ मशीनरी रखी हुई होगी वहां पे, तो आपको स्टॉक दिख रहा है, वो चीजें दिख रही है, लेकिन तो भी वहां पे कस्टमर आ रहा है, तो भी कस्टमर हल्दीराम में आ रहा है। क्यों आ रहा है हल्दीराम में? क्योंकि उसकी रेपुटेशन की वजह से हल्दीराम में हम वहां पर आ रहे। अब उसकी मैंने कहा कि नहीं नहीं उसकी रेपुटेशन की वजह से आप हल्दीराम में आ रहे, ठीक है, ये हल्दीराम। अब वहां पे उसकी रेपुटेशन की वजह से अपन वहां पे जा रहे हैं। अब जैसे हल्दीराम में अगर आप यहां पे जाते हो इस दुकान पे, तो आपको वहां पे फर्नीचर दिख रहा है, हो सकता है कुछ मशीनरी दिख जाए, स्टॉक रखा होगा, इतनी सारी मिठाइयां वहां पे रखी हुई होगी, लेकिन क्या गुडविल जो है उसकी, वो भी तो उसकी एक एसेट है, उसका भी तो बेनिफिट उसको मिल रहा है, उसकी रेपुटेशन है, उसकी मार्केट में एक उसका ब्रांड है, लोग उस पर ट्रस्ट करते, उसकी वजह से इसकी दुकान में हम लोग जा रहे, तो वो भी तो उसकी एसेट है, क्योंकि उस गुडविल की वजह से उसको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, उसकी रेपुटेशन की वजह से उसको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन ये बड़ी दिक्कत आ जाती है कि सर गुडविल की वजह से उसको बेनिफिट हो रहा है, गुडविल की वजह से उसकी रेपुटेशन जो उसकी, उसकी वजह से उसको बेनिफिट जो हो रहा है, लेकिन वो उसको अगर इसको अकाउंट करना है, उसको अगर इसे अकाउंट करना है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करूं? क्योंकि इसकी दुकान में अगर कोई हल्दीराम की दुकान में फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं फर्नीचर रखा हुआ है, तो फर्नीचर उसने कहीं से खरीद के लाया होगा, तो उसको उसकी कीमत पता होगी, तो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्नीचर को रिकॉर्ड कर दिया होगा। उसने मशीनरी खरीद के लाया होगा, तो मशीनरी की कोई कीमत होगी जो उसने पे करा होगा, तो वो मशीनरी की कीमत को उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया होगा। लेकिन अगर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल कहता हूं, मैं कहता हूं कि ये हल्दीराम कंपनी की बैलेंस शीट है, ये हल्दीराम कंपनी की क्या है बच्चों, ये है बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड होता है और ये आपका एसेट साइड। इस बैलेंस शीट में आपको फर्नीचर नजर आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आसान भी है ना, फर्नीचर क्या है, वो हल्दीराम ने खरीद के लाया होगा, तो वो हल्दीराम ने खरीद के लाया होगा फर्नीचर, उसकी कोई कीमत पे दिया होगा उसने, तो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करा। उसके पास कोई मशीनरी होगी, तो वो मशीनरी की कोई कीमत होगी, वो मशीनरी उसने यहाँ पे क्या किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा। लेकिन ये बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि गुडविल की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं यहां पे गुडविल की अगर मैं बात करूं, तो ये गुडविल का वैल्यूएशन करना मजाक नहीं है। मतलब क्या हुआ सर, ये गुडविल का वैल्यूएशन करना मजाक नहीं है का मतलब, आप मुझे बताओ कोई गुडविल उसने मार्केट से खरीद कर लेकर आया के बच्चों, गुडविल क्या हो सकता है, मार्केट से खरीद कर लेकर आया के, नहीं 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 वो तो उसकी रेपुटेशन। तो यहां पर ये गुडविल का जो वैल्यूएशन कर रहा है, गुडविल का जो वैल्यूएशन यहां पे हो रहा है, गुडविल की कीमत क्या तय कर रहा है, क्या कीमत होगी भाई, मैं कैसे बोलूं कि उसकी क्या कीमत होगी, कोई भी इंसान कोई भी अपनी गुडविल बोलेगा मेरी रेपुटेशन की कीमत ये मार्केट में। सो हल्दीराम को उसकी जो गुडविल है, उसकी एक एसेट है, उसकी रेपुटेशन की वजह से लोग उसके पास जाते, वो मिठाइयां खरीदते, लेकिन ये जो रेपुटेशन है, ये जो गुडविल है उसकी, उसकी कीमत तय करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि फर्नीचर हो गया वो आप मार्केट से खरीद के लेके आऊंगा हल्दीराम वाला,
ये जो मशीनरी होंगी वो खरीद के लेकर आऊंगा मशीन, तो उसकी कोई कीमत उसने पे कराऊंगा तो उसको उसकी कीमत पता होगी। लेकिन गुडविल की कीमत वो कैसे तय करेगा, ये उसने कुछ खरीद के नहीं लेकर आया, ये तो उसने ओवर द पीरियड इतने सालों में अपनी बिजनेस को क्या करा, उसने बिजनेस में अपनी गुडविल को क्रिएट करा, तो उसकी कोई कीमत कैसे तय करेगा, ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है। इसीलिए गुडविल के केस में हो सकता है बच्चों कि आपको आसानी से क्वेश्चन में वो ये दे दे कि गुडविल का अमाउंट कितना है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि गुडविल का अमाउंट ना दे, आपको गुडविल कैलकुलेट करने बोले, आई मीन टू से कि उसकी अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए वो आपको क्वेश्चन में कहे कि गुडविल के अमाउंट को क्या करो, फाइंड आउट करो। अभी गुडविल के अमाउंट को जो मैं फाइंड आउट करने की बात कर रहा हूं वो मैं करूंगा वैल्यूएशन, वो मैं क्या करूंगा बच्चों, वो मैं करूंगा वैल्यूएशन। मतलब मैं आपसे कहता हूं पहला कि आपको, अच्छा अभी जो वैल्यूएशन के बारे में बात हो रही कि आप वैल्यूएशन करना मतलब क्या, गुडविल की कीमत को तय करना, गुडविल की अमाउंट को तय करना, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं हम लोग वैल्यूएशन। तो गुडविल को वैल्यू करना कि गुडविल की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यूएशन है, क्या कीमत है उसकी, ठीक है। सो अब गुडविल कोई ऐसा तो नहीं कि कोई प्रोडक्ट आपने मार्केट से खरीद कर लेकर आ गए, ऐसा तो है नहीं कि गुडविल आपने मार्केट से खरीद के लेके आ गए, ऐसा तो है नहीं कि गुडविल, अब आप गुडविल कोई मार्केट से खरीद के तो लेकर नहीं आ रहे हो। सो आप कैसा करेंगे, क्योंकि उसकी भी कोई चीज मार्केट से अगर लेकर आ रहे हो, कोई चीज आप परचेज कर रहे हो तो उसकी कीमत पता है। अब आपने ओवर द पीरियड ये रेपुटेशन अपनी बनाया तो उसकी क्या कीमत है भाई, क्या कीमत है वो तय करना। तो उसमें वैल्यूएशन की अलग अलग मैथड्स है और वो मैथड बताती है हमको कि कीमत क्या होना चाहिए। तो जो आपके सिलेबस में चार मैथड है, वो चारों मैथड में यहाँ पे हो तो चारों मैथड से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एक होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक क्या होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होती है आपकी सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होती है आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड और एक होती है आपकी एन्यूटी मेथड। तो आप लोगों को ये चार मेथड जो है हमको ये गुडविल की क्या अकाउंटिंग के बारे में बात करती है हमसे कि गुडविल की अकाउंटिंग क्या करना है, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है? नहीं सर, ये अकाउंटिंग के बारे में बात नहीं करती, ये तो हमसे बात करती कि उसकी अमाउंट को तय करती। ये वैल्यूएशन कोई आपको डेबिट क्रेडिट नहीं सिखा रही, गुडविल की अमाउंट को तय कैसे कर जाए, क्या अमाउंट गुडविल की होना चाहिए, वो हमको ये वैल्यूएशन की जो मेथड्स है, वैल्यूएशन की मेथड्स जो है ना, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमको ये बताती कि उसकी गुडविल की अमाउंट कितनी है। अकाउंटिंग एक अलग चीज है, अकाउंटिंग के बारे में अपन उसकी बात करेंगे, लेकिन यहां पर अभी अपन पहले किसके बारे में आज डिस्कशन होगा, डिस्कशन हमारा अभी शुरू हो, कह लेते हैं वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, फिर अकाउंटिंग के बारे में बाद में बात होंगे। तो अपन को अभी क्या डिस्कशन करें, अपन की ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोई गुडविल की अमाउंट कितनी होगी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि और यहां पे चार चीजें आपको दिख रही, चार मेथड है। तो अब ऐसा मान लो कि चार लोग हैं और वो चार लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे, क्या कहा मैंने कि मैंने कहा कि चार लोग हैं और वो चार लोग अपना अपना क्या दे रहे, ओपिनियन दे रहे। तो चार लोग हैं और चार लोग आप अपना अपना ओपिनियन दे रहे कि गुडविल उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो ये चार लोग ये बताते हैं कि गुडविल उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली चारों मेथड में आपके गुडविल का अमाउंट अलग अलग आएगा, एक जैसा अमाउंट नहीं आने वाला है, तो अलग अलग अमाउंट आएगा। लेकिन जो मेथड हमको क्वेश्चन में पूछा रहेगा उस मेथड से हम लोगों को उसको करना रहेगा। तो अब एक क्योंकि चार, ऐसा मानो ना चार लोग खड़े हैं यहाँ पे, एक का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड और एक का नाम है एन्यूटी मेथड। अभी चार लोग हैं, चार इंसान हैं, चार ओपिनियन है, तो चारों के ओपिनियन अलग अलग है। तो यहाँ पे चारों के अमाउंट ऑफ गुडविल, चारों के गुडविल कैलकुलेट करने के तरीके चारों के अलग अलग है, तो गुडविल का अमाउंट भी चारों में क्या आएगा हम लोग का अलग अलग आने वाला है। तो अभी हम लोग डिस्कशन करते किस पे, वैल्यूएशन पे, तो फिर अकाउंटिंग के बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे गुडविल की। लेकिन अभी हम क्या करने वाले कि एक हम लोग क्वेश्चन पहले लेते, क्योंकि इसीलिए हम डायरेक्ट में क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, क्योंकि फिर आपको वहां पे इस क्वेश्चन में हम लोग को अमाउंट रहेंगी, तो जब अमाउंट रहती फिगर्स वहां पे रहेंगी तो मेथड समझाना आसान होगा। तो चारों मेथड मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन के जरिए। तो अगर आप जाएंगे अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे जो कि हमारे सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, तो कम टू क्वेश्चन नंबर
कम टू क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे आप आएंगे, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आप लोग आएंगे और वहां पे हम लोग को सॉल्व करना रहेगा क्वेश्चन, ओके। और ये क्वेश्चन नंबर 13 किस पे कर, अभी देखेंगे हम आगे, अब चारों मेथड से सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। देखो अब क्या कह रहा है, ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप, दे अग्री टू टेक एज 1/4 पार्टनर, फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो वैल्यू ऑफ गुडविल हमको निकालना है। मिसेस ली एंड लॉसन अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2016-19, मतलब 2016 से 2019 तक के कैसा प्रॉफिट रहा, 2016 में 1,20,000 का प्रॉफिट है, 2017 में 1,25,000 का, 2018 में 1,30,000 का, 2019 में 1,50,000 का प्रॉफिट है। ऑन 31 December 2019 कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मिसेस ली एंड लॉसन वॉज ₹5,00,000, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 20%, यू आर रिक्वायर्ड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल फॉलोइंग वेरियस मैथड। तो वेरियस मैथड मतलब हम लोगों को इस क्वेश्चन में अब कितनी मैथड से करना है बच्चों, चार मैथड से। वेरियस मैथड मतलब जो आपके सिलेबस में वो कितनी मैथड आप लोगों को, चार मैथड है, ठीक है, ओके। सो यहां पे एक है आप लोगों की वही जो मैंने अभी यहां पे आपसे कहा, एवरेज प्रॉफिट मैथड, सुपर प्रॉफिट मैथड, कैपिटलाइजेशन मैथड, फोर मैथड्स आप लोग के, ये चारों मैथड्स हम लोगों को अभी करना रहेगा। मगर हर क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्व करते हैं एक फिगर हम लोगों को लगती है, वो जो रहती है आपकी नंबर ऑफ ईयर परचेज, एक चीज होती है इसके बारे में बात करूंगा, तो वो नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे दिया हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इंस्टीट्यूट ने भी नंबर ऑफ ईयर परचेज को कुछ अज्यूम करी, व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन हम लोगों को नंबर ऑफ ईयर परचेज कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा कुछ ईयर्स हम लोगों को, तो जो इंस्टीट्यूट ने ली वही अजम्पशन मैं भी, नंबर ऑफ ईयर परचेज उन्होंने क्वेश्चन में बताना चाहिए था, नंबर ऑफ ईयर उन्होंने क्वेश्चन में बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज बताए नहीं है, तो अजम्पशन इंस्टीट्यूट ने दी अपने स्टडी मटेरियल में, हम लोगों को कुछ अजम्पशन लेना रहेगा। सो यहां पर आप लिखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 273। ओके, सो यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 273। ओके, सो यहां पे आप पहले लिखेंगे, एक नोट लिख लो, पहले नोट लिख लो, गुडविल इज, एक सेकेंड नोट, सॉरी, इस तरह लिख लो, फर्स्ट It is assumed that goodwill is valued at 3 years purchase. अभी क्या है 3 years purchase? वो मैं आपको बताऊंगा क्या, बस आप लिखो 3 years, मैंने अज्यूम करो कोई 2 years कर सकता है, कोई 4 years, बट व्हाट इज इयर्स ऑफ परचेज के बारे पर बात करेंगे तुम, ओके, इतना लिखे आपने बस। अब देखिए आप सबसे पहला यहां पे फर्स्ट मैथड एवरेज प्रॉफिट मैथड, एवरेज प्रॉफिट मैथड पहली मैथड आपकी, एवरेज प्रॉफिट मैथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब उसमें चीज होती क्या कि आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है, कि यहां पे जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट दिया, जैसे 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, 1,50,000, तो आप एवरेज प्रॉफिट ले लेते हो। ध्यान से पहले मेरी बात सुने, तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पे एवरेज प्रॉफिट मैथड से। सो एवरेज प्रॉफिट मैथड में आप जब कैलकुलेट करते हो गुडविल, सो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आपको जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब समझना इसको क्या चीज होती है, एवरेज प्रॉफिट इसमें क्या होता है आपका, कि आप पिछले 3 साल 4 साल जो भी आपको क्वेश्चन में दे, जैसे क्वेश्चन में आपका 2016 से लेके 2019 तक उन्होंने दिए, 2016 से लेके 2019 तक उन लोगों ने हम लोगों को यहां पर दे रखे कि उन लोगों का यहां पर प्रॉफिट कितना हुआ था, तो उसका आप एवरेज प्रॉफिट ले लेते। तो एवरेज, हाउ वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, आपने वहां पे नंबर ऑफ ईयर्स, वहां पे जो है 4 साल है,
और प्रॉफिट उतने सालों का ले ली, डिवाइडेड बाय चार करे तो यहाँ पे क्योंकि चार साल है आपके, है ना, तो डिवाइड बाय चार करे तो वो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने पिछले सालों को जो प्रॉफिट था उसको आपने बेस माना। हमेशा ख्याल रखना गुडविल के केस में आपको जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को आप क्या मानते हो, बेस मानते हो। तो पिछले सालों के प्रॉफिट को, पिछले सालों के प्रॉफिट को आप क्या मानते हो बच्चों, बेस मानते हो। सो पास्ट ईयर के प्रॉफिट को हम लोग बेस मानते हो और हम ये एक्सपेक्ट करते कि आगे के सालों में इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कोई पार्टनर जब आता है, एग्जाम्पल कोई पार्टनर आया है, तो हम तो बोलेंगे ना भाई साहब आपको तो बेनिफिट हमारी वजह से हो रहा है कि हम दो पार्टनर, मैं हूं ए और ए पार्टनर बी, हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, हमने अपने ब्रांड, हमारा जो एक नाम है सपोज हल्दीराम, उसको हमने एक ब्रांड बना, उसकी एक इमेज बना, उसकी एक रेपुटेशन बनाया मार्केट में। सो अब इसका बेनिफिट, आप एक नए पार्टनर आ रहे हो, इसका बेनिफिट तो आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप हमारी फॉर्म में अगर आते हो एज ए पार्टनर तो भाई ये नाम तो ऑलरेडी बना हुआ हमारी फॉर्म का, इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। सो अकाउंटिंग के बारे में अपन आएंगे कि उससे कुछ अपन पैसा लेंगे, उसके अकाउंटिंग के बारे में आएंगे, लेकिन वो आता है अपनी फॉर्म में बोलता है अच्छा ये बताओ, आप पार्टनर हमसे पूछता है, नया पार्टनर है, पूछता है अच्छा अच्छा ये बताओ आपके गुडविल की कीमत क्या है। क्या वो कीमत तय करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई टेंजिबल आइटम नहीं, गुडविल इनटेंजिबल होती जो कि दिखती नहीं, तो क्योंकि ये इनटेंजिबल आइटम गुडविल ऐसा तो नहीं मार्केट से आपने खरीद कर लेकर आ गए, ऐसा तो नहीं है कोई, तो वो पूछता है आपकी गुडविल की कीमत क्या है। तो गुडविल की कीमत तय करने की अलग अलग मैथड है, उसमें से हम लोग पहली मैथड के बारे में बात करें, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मैथड। तो अब मैंने कहा कि ठीक है, उसने कहा ठीक है गुडविल की जो आपकी कीमत है, दैट इज सॉरी जो गुडविल की कीमत तय कर रहे हो वो आप अलग अलग मैथड से करो, उसमें से एक मैथड आपकी एवरेज प्रॉफिट मैथड। तो उसका फॉर्मूला आपका एवरेज प्रॉफिट मैथड से गुडविल कैलकुलेट करें कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो कभी भी जब आप गुडविल कैलकुलेट करते हो पास के ईयर के प्रॉफिट को बेस मानते हो, पास ईयर के प्रॉफिट को क्या मानते हो, बेस मानते हो। तो हमने पिछले एग्जांपल क्वेश्चन में जैसे आपको चार साल दिखे उसके प्रॉफिट को बेस माने, और वो हम एक्सपेक्ट करते कि फ्यूचर में होगा, लेकिन कितने साल तक होगा फ्यूचर में, कि पांच साल, दस साल, बीस साल, नहीं आप ये नहीं कह सकते। तो आप क्यों नहीं कह सकते गुडविल आज है, जरूरी थोड़ी ना कि फ्यूचर में भी वो गुडविल वैसा ही रहेगा, रेपुटेशन खराब भी हो सकती। तो आप कहते हो कि भाई वो गुडविल जो है हमें नंबर ऑफ इयर्स परचेज, मतलब आप कितने साल एक्सपेक्ट करते हो फ्यूचर में, तो मैं कहता हूं कि सपोज हम थ्री इयर्स एक्सपेक्ट करते कि फ्यूचर में वो ट्रेंड चलेगा, तो दैट इज नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कितने साल में एक्सपेक्ट करे वो गुडविल का आपको। तो आपने पास के प्रॉफिट को बेस माने जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि पास ईयर्स के प्रॉफिट को हम लोग ने क्या माने, बेस माने। पास ईयर के प्रॉफिट को हमने क्या माने, बेस माने, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर के प्रॉफिट में। तो पास ईयर के प्रॉफिट को हम लोगों ने बेस माने जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में वैसा होगा। सो इसे हम फ्यूचर में जो होगा एक्सपेक्ट जो करें, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमने अज्यूम करें कि नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको बताएंगे क्वेश्चन में, दो साल, तीन साल, पांच साल, हर क्वेश्चन में कुछ कहेगा। इस क्वेश्चन में नहीं कहा, तो हमने अज्यूम करें थ्री इयर्स था वो। अब ये क्वेश्चन एक अराइज होता है बेटा कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना। तो एवरेज प्रॉफिट में से आप बच्चे कहोगे, और वो गलत भी नहीं, आप कहोगे सर 120,000 प्लस 125 प्लस 130 प्लस 150, तो 5,25,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5,25,000। तो 5,25,000 रुपए आपका क्या आ रहा है, 5,25,000 रुपए क्या आ रहा है आप लोगों का ये प्रॉफिट आ रहा है। अब मैं इसको डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं कर दू, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ना। ये एवरेज प्रॉफिट क्या है कि पिछले चार साल के प्रॉफिट को आपने लिए 1,20, 1,25, 1,30, 1,50 है ना, 5,25, और आपने चार साल को डिवाइड बाय आपने 4 कर, तो एवरेज प्रॉफिट वो आ गया आपका, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,31,250। अब क्यों चार साल से डिवाइड करें, क्यों चार साल का है प्रॉफिट है, तो आपने एवरेज प्रॉफिट यहां पे से निकाल दिया आपने एवरेज प्रॉफिट। तो ये एवरेज प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर, जो एवरेज प्रॉफिट है 131,250, अब वो फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपसे होगा, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए यहाँ पे, तीन साल, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे थ्री ईयर से जो हमने अज्यूम करे, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। और बिल्कुल गलत नहीं, ऐसा ही करना होता, लेकिन एक चीज होती है आपकी, अगर आपको वेटेड एवरेज, आप बोलेंगे सर ये क्या नया लाया आपने, अभी एवरेज प्रॉफिट बोले थे, वेटेड एवरेज क्या लेकर आ गया। देखो कभी क्या होता है कि कोई ट्रेंड आपको अगर दिखता है इन प्रॉफिट्स में, इन प्रॉफिट्स में क्या दिखता है बच्चों, ट्रेंड दिखता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड क्या है सर, देखो आप यहाँ पे पहले 1,20,000 प्रॉफिट है 2016 में, हाँ, फिर 2017 में कितना हो, 1,25, सर बड़ा हो, 1,20 से 1,25 हुआ, फिर 1,25 से 1,30 हुआ, अरे हाँ, फिर 1,30 से 1,50 हुआ। तो आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो प्रॉफिट है आपका, ये जो प्रॉफिट है आपका, वो क्या हो रहा है बच्चों, ये प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है,
कि प्रॉफिट क्या और आप लोगों का बढ़ रहा है, एक 20 से एक 25 हुआ, एक 25 से एक 30 हुआ, एक 30 से क्या हुआ, एक 50 हुआ, तो ये प्रॉफिट क्या है आपका बढ़ रहा है, ये प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है। तो जब आपका प्रॉफिट बढ़ रहा था आपको यहां पे क्या दिख रहा है, ट्रेंड दिख रहा है, तो उस केस में आप सिंपल टोटल करके आप डिवाइड बाय 4 एवरेज प्रॉफिट ना लेते हुए आप वेट देते हो। सर वेट देते हो का मतलब ये होता है कि आप अभी भी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर इसकी टोटल करते डिवाइड बाय 4 करो तो एवरेज प्रॉफिट दिख जाएगा। जब आपको कोई ट्रेंड दिखे, हो सकता है इंक्रीजिंग ट्रेंड हो सकता है डिक्रीजिंग ट्रेंड, ऐसा भी हो सकता है कोई क्वेश्चन में आप देखे कि ये एक 20 का एक 15 हुआ, एक 15 का एक 10 हुआ, फिर एक 10 से एक हुआ, मतलब वो डिक्रीजिंग ट्रेंड भी हो सकता है। तो जब कोई आप ट्रेंड दिखता होता है तो आप वेट देते हो। वेट क्यों देते मैं आपको थोड़ी देर में कहता हूं, आप लिखो, मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों वेट आप उसको देते हो। जब आपको कोई यहां पे ट्रेंड दिखता है तो आप यहां पे लिखो पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके, तो यहां पे आप लिखेंगे ओके, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम पहले, इसको ड्रॉ करना आपने 4-5 लाइन का, ईयर प्रॉफिट वेट वेटेड प्रॉफिट, ये क्या चीज है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, बस आप लिख लीजिए अभी ओके लिखा आपने इतना ओके तो आपके ईयर है 2016, 2017, 2018 और 2019। तो 2016, 17, 18, 19 प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया, 1,20, 1,25, 1,30, 1,50, सो 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000 और 1,50,000, 1,50,000। अब देखो आप जब वेट देते हो, वेट देते हो तो जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट देना है, क्यों? अब इसको समझना, यहां पे आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है, 1,20 से 1,25 हुआ, 1,25 से 1,30 हुआ, 1,30 से 1,50 हुआ, आपको क्या दिख रहा है यहां पे ये दिख रहा है मेरे को इंक्रीजिंग ट्रेंड, मेरे को यहां पे दिख रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये ऐसा हो रहा है पास्ट में कि हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आगे भी उम्मीद यही करेंगे प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे तो आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप जब वेट दे रहे हो जितना जो लेटेस्ट ईयर है उसको उतना ज्यादा वेट दे रहे हो यहाँ पे। तो मैंने कहा कि 2016 को वेट 1 दिया तो इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो आपने देखिए जो सबसे लेटेस्ट है 2019 उसको वेट कितना दिया अपन ने 4, दो उससे कम है 2018 उसको वेट कितना दिए 3, 2017 उसको वेट कितना दिए 2, 2016 उसको वेट कितना दिया आपने 1, तो जो जितना लेटेस्ट है आपने उसको उतना ज्यादा वेट दी। तो वेटेड प्रॉफिट बोले 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ये कितना हुआ आपका 1,20,000, 1,00,000 आपने वेटेड प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, तो अब आपने 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये होता है आपका 2,50,000, 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये होता है आपका 3,90,000 रुपए, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये होता है आपका 6,00,000। अब इसकी आप टोटल करो, वेट की टोटल करो और वेट 1+2 हो गया 3, 2, 1+2 3, 3+3 6, 6+4 ये आ गया आपका 10, ये टोटल करोगे तो 10 आ रहा है। अमाउंट की टोटल करो, 1,20, 1,50, 3,90 और 6,00,000, तो ये आ रहा है आप लोगों का 13,60,000 रुपए, ये आ रहा है आपका 13,60,000 रुपए। सो यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू वेटेड प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय वेट, सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट था आपका 13,60,000 रुपए डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आया आपका 1,36,000। तो ये आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब यह आया आपका, तो आपके एवरेज प्रॉफिट के 1,36,000। तो ये तरीका होता है जब आपने यहां पे क्या करे वेट, अगर मैं आपको इस तरीके से नहीं कैलकुलेट करता तो टोटल आ रही है 5,25,000 डिवाइड बाय 4 करता, 5,25,000 डिवाइड बाय 4 करूं तो ये आता है आपका 1,31,250, ये आ गया आपका प्रॉफिट 1,31,250, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया था। लेकिन यहाँ पे 1,31,250 नहीं आ रहा, यहां पर कितना रहा 1,36,000 आ रहा। तो ऐसे क्यों कैलकुलेट करें सर, हमेशा करना नहीं, हमेशा नहीं करना। तो आपका एवरेज प्रॉफिट हमेशा ऐसे नहीं कैलकुलेट, यहां पे इसलिए अपन ऐसे करें वेट देके, क्योंकि आपके इंक्रीजिंग ट्रेंड था। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ऐसा नहीं लिखा हुआ इंक्रीजिंग ट्रेंड इसलिए ऐसा कैलकुलेट कर, लेकिन इसलिए कैलकुलेट करा जाता है, उसका लॉजिक यही होता है क्योंकि आपने जो करंट ईयर है उसको ज्यादा वेट दो, उसको ज्यादा दो, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी के ऐसा प्रॉफिट हो आगे, तो आप ज्यादा वेट उसको देते हो। ओके, तो वेट आप इस तरीके से आप उसमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते। अब गुडविल यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया अभी, वो आया आपका 1,36,000 मल्टीप्लाई वेटेड एवरेज आपका, सॉरी नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमने इसको अज्यूम कितना करें 3 इयर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना आ रहा है 1,36,000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आ रहा है आपका 4,08,000। तो ये आपने गुडविल निकाले 4,08,000। तो ये एक भाई साहब का नजरिया था, उनकी सोच थी, उनका विचार था कि इस तरीके से गुडविल का कैलकुलेट करना चाहिए। अब बाजू में एक और इंसान खड़ा था और उस इंसान का नाम था, उस इंसान का नाम था सेकेंड, अपने फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट, अब ठीक है सेकेंड, उस इंसान का नाम था सुपर प्रॉफिट भैया। अरे मैंने कहा सुपर प्रॉफिट भैया कैसे हो, वो कहता है सुनो 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 ये नलायक है एवरेज प्रॉफिट मात्र। मैंने क्यों, मैंने कहा क्यों, क्या हो गया वो कहता है कि ये तो नलायक है एवरेज प्रॉफिट मात्र, उसका नहीं आता गुडविल कैलकुलेट करो। क्या बताया उसने गुडविल ऐसा कैलकुलेट करता, मैं बताता हूं गुडविल कैसे कैलकुलेट करते। तो मैंने पूछा अच्छा बताओ भाई कैसे कैलकुलेट करते, तो वो कहता है कि हमारे हिसाब से तो आपने गुडविल कैलकुलेट करना चाहिए। मैंने कहा बताओ बताओ, तो कहता है कि मेरे हिसाब से तो आपने गुडविल कैलकुलेट करना चाहिए। मैंने कहा बताओ बताओ, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, अच्छा मैंने कहा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अरे नंबर ऑफ ईयर परचेज, मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो तुम, वो तो वहां पे एवरेज प्रॉफिट ले रहा था, आप कहते हो कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने कहा ये तो नई चीज आ गई हमारे सामने, सुपर प्रॉफिट क्या। वो कहता है सुपर प्रॉफिट भैया जो मेरे सामने खड़े हो कहते, अरे वो नलायक है, उसको नहीं समझता कि एवरेज प्रॉफिट मेथड को नहीं समझता कैसे कैलकुलेट करना। मैं बताता हूं, मैंने कहा बताओ बताओ आपके फॉर्मूले में तो यहां सुपर प्रॉफिट नजर आ रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या होता है सुपर प्रॉफिट, मैंने कहा बताओ कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो वो कहने लगता है कि सुपर प्रॉफिट जो आपका होता है सुपर प्रॉफिट जो आपका यहां पे होता है वो कहता है कि यहां पे आपका दूसरों से प्रॉफिट इंडस्ट्री में जो लोग कमाते उनसे कितना ज्यादा है, वो एक्चुअल में आपका गुडविल है, वो आपकी असली गुडविल का वो तय करेगा आपकी कि दूसरों से कितना एडिशनल कमाते हो बिकॉज ऑफ योर गुडविल, दूसरों से कितना आप ज्यादा कमा रहे हो। तो मैंने कहा बात तो सही है, लॉजिकली सही कह रहा है कि भाई दूसरों से जो इंडस्ट्री में लोग हैं उनसे ज्यादा हम कितना कमा रहे वो हम गुडविल की वजह से कमा रहे, जितना हम कमा रहे उतना दूसरा कमा रहे, तो कहे कि गुडविल से एक जैसा ही तो कमा रहे हो सब, दूसरों से कितना ज्यादा कमाते हो। तो वो कहता है यहां पे कि जो सुपर प्रॉफिट आपका होता है वो होता है एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो आपने एवरेज प्रॉफिट कमाए, ओके, माइनस
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जो इंडस्ट्री में नॉर्मली लोग कमाते, हमारे तरह का जो व्यापार करते वो लोग इस तरीके, तो वो हमारे तरह का जो बिजनेस करते वो जो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाते, उनसे ज्यादा कितना कमाए। तो भाई ये इंडस्ट्री में लोग अगर 1 लाख कमाते, सॉरी मैंने 1,20,000 कमाया, तो मैंने दूसरों 20,000 रुपए ज्यादा कमाए, तो दैट 20,000 इज सुपर प्रॉफिट। दूसरों से मैंने कितना ज्यादा कमाया, दैट इज बिकॉज ऑफ माई गुडविल। तो लॉजिकली तो सही बोल रहे हैं भाई साहब कि दूसरों से आपने इतना ज्यादा कमाया। मैंने कहा तो फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैंने कहा ये तो बताओ मेरे को कि नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट दूसरों में इंडस्ट्री में दूसरे लोग कितना कमाते हैं, तो वो कैसे तय करो, वो आप तय करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जो एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका मल्टीप्लाई बाय एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई बाय एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है उस वो कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या, मान लो आपको क्वेश्चन में देगा 10% 20% जो भी दे, तो जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है जनरली लोग उस पर 10% कमाते हैं आपकी तरह के बिजनेस में। तो सपोज मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है 10,00,000, तो 10,00,000 है, तो नॉर्मली बिजनेस में 10% लोग कमाते, तो मैंने कहा 10% of 10,00,000 विल 10% of 10,00,000 विल कम 1,00,000, बट आई हैव अर्न 1,20,000, सपोज द एवरेज प्रॉफिट 1,20,000, आई विल से कि मैंने तो, लोग जनरली इतने कैपिटल एम्प्लॉयड में 1,00,000 कमाते, मैंने तो 1,20,000 कमाया, तो मैंने तो 20,000 रुपए ज्यादा कमाए, दैट इज सुपर प्रॉफिट। दैट इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, दैट विल बी व्हाट, गुडविल। लेकिन आपने अब जब हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे ना, अब जब यहां पे सॉल्व करेंगे तो आप एकदम फॉर्मूला मत रट लेना बेटे, उसको समझना अच्छे से, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक चीज यहां पे। अब यहां पे कैलकुलेट जब अपन करेंगे तो यहां पे सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट आएगा और फिर गुडविल अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो आप यहां पे लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट पता रहेगा जब ही सुपर प्रॉफिट निकाल पाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। व्हाट इज एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन में उसने अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है यहां पे उसने दे रखा है 5,00,000 रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%। सो यहां पे 5,00,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? उसने क्वेश्चन में दे रखा, उसने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, तो कितना आया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, वो आया आप लोग का 1,00,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट आपने अभी ऊपर कैलकुलेट करे, ठीक है। तो अब देखो आपने यहां पे वेटेड एवरेज से निकाल, तो पूरे क्वेश्चन में यही मानेंगे आप 136 ही मानेंगे, ओके। तो एवरेज प्रॉफिट इज 1,36,000, सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट इज 1,36,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 1,00,000, सो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया कितना 36,000। सो अब गुडविल आप कैलकुलेट कर लेंगे, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस। अब नंबर ऑफ इयर्स परचेस अपन अज्यूम करें 3 इयर्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, ओके। इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में भी उसको 3 इयर्स अज्यूम करें, नंबर ऑफ इयर्स परचेस, सो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 3, वो आता है आपका 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपए, ओके। अब आपने दो मेथड यहां पे कर ली, अब अपन आते हैं यहां पे तीसरी मेथड पे, ठीक है। अब आप वहां पे लिखेंगे आप थर्ड मेथड, दैट इज एन्यूटी मेथड, दैट इज एन्यूटी मेथड। सो आप वहां पे लिखो एन्यूटी मेथड,
गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ओके। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। अब सुपर प्रॉफिट आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, सुपर प्रॉफिट हमने ऊपर कैलकुलेट भी करे। सुपर प्रॉफिट कितना आपका, सुपर प्रॉफिट ऊपर जो आपने कैलकुलेट करे दैट इज 36,000। अब इस कैलकुलेशन को अच्छे से समझना, प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर, इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे। ओके, अब ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर अगर मैं कहता हूं कि हर साल महंगाई जो है ना, आप सुपर प्रॉफिट, पहली चीज सुपर प्रॉफिट अपन ने यहां पे कैसे कैलकुलेट करे थे, इस मेथड में यहां पे आपने कैलकुलेट करे थे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, इस तरीके से आपने यहां पे कैलकुलेट करे थे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब उस सुपर प्रॉफिट मैथड तो हमने बड़ा अप्रिशिएट करे, अरे सही बात तो बोल रहा है, मैंने कहा सुपर प्रॉफिट मैथड में सुपर प्रॉफिट भैया एकदम सही बात कह रहे, वो कह रहे कि आपने दूसरों से ज्यादा कितना कमाया उसके ऊपर वो आपका गुडविल कैलकुलेट करने में फिगर यूज होना चाहिए। ये बात भी इसी, तो सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन उससे भी अब एक और दूसरे होशियार भैया यहां पर, उनका नाम है एन्युटी भैया, एन्युटी भैया बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मैथड ने काफी कुछ सही बात कहा है, ऐसा कहते काफी कुछ उसने सही बात कहा है, तो उन्होंने कहे सुपर प्रॉफिट सही बात कहा है उसने, तो अब आप भी ले लो सुपर प्रॉफिट। तो हम लोगों ने यहां पे सुपर प्रॉफिट ले ली, लेकिन वो कहता है ना 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 ना, एक गलती वो कर बैठे। मैंने कहा बताइए एन्युटी भैया क्या गलती वो कर बैठे, उन्होंने नंबर ऑफ इयर्स परचेज उसको मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन वो कहते वो होना चाहिए आपका क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, वो कहते हैं आपसे कि अगर मैं आपसे दूसरे के एग्जाम्पल में आपको देता हूं, आज के एक रुपए, आज के मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को अगर अगले 3 साल में कोई एक एक रुपए देने वाला है, 1 साल के एंड में 1 रुपए, फिर दूसरे साल के एंड में 1 रुपए और तीसरे साल के एंड में 1 रुपए, तो अगले 3 साल में मेरे को 1-1 रुपए मिलने वाले, तो आप टोटल कहोगे सर मतलब एग्जाम्पल आपको 3 रुपए टोटल मिलने वाले। मैंने कहा बिल्कुल से, शायद आपने मैथ्स में भी पढ़े होंगे कई एनुटी, तो मैं कहता हूं कि मेरे को 1 साल बाद 1 रुपए मिलने वाला है, फिर दूसरे साल के आखिरी में 1 रुपए, फिर तीसरे साल के आखिरी में 1 रुपए, मतलब 3 साल के टोटल मिलाओ तो मेरे को 3 रुपए मिलने वाले। लेकिन वो 3 साल में 3 रुपए मिलने वाले, क्या मैं ये कहूं कि वो 3 रुपए की आज की कीमत भी 3 रुपए ही है? मैंने कहा नहीं, वो जो 3 रुपए मेरे को आगे मिलने वाले उसकी आज की कीमत 3 रुपए नहीं है। बोले सर कैसे 3 रुपए नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो सपोज मैं कहता हूं जैसे 20% क्वेश्चन में दिया, तो मैं कहता हूं कि 20% जैसे आपको क्वेश्चन में उसने दिया है आपको, ठीक है, तो वो आपको जो 1-1 रुपए 3 साल में मिलने वाले 3 रुपए टोटल, और आज के वो 3 रुपए नहीं है, तो उसने कहा कि क्या रेट से महंगाई बढ़ रही, मैंने कहा 20% रेट से महंगाई बढ़ रही, तो वो 3 रुपए जो आज की वैल्यू की थी, तो मैं एक तरीका आपको बता दो, हो सकता है एन्युटी फैक्टर आपको क्वेश्चन में दे, या आपने मैथ्स में पढ़ेंगे एन्युटी फैक्टर कैलकुलेटर में भी निकल जाएगा अभी। अब क्यूमुलेटिव एन्युटी फैक्टर कैसे मैं निकाल रहा हूं इसको आप समझना, कैलसी हाथ में लेंगे आप लोग, ओके, तीन चीजें आपको ख्याल रखना है बच्चों, ठीक है, तीन चीज, फर्स्ट, ठीक है, पहला मैंने कहा 1 कैलसी में आप टाइप करो, 1 टाइप करें, 1 डिवाइडेड बाय 1.20। मैंने क्या कहा, वो 20% है ना, इसलिए 1.20 है, 30% है तो 1.30, 10% है तो 1.10, इस तरीके के होता है, ओके, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.20 आपने करे, और फिर सेकेंड आपको उसके बाद करना जो रहेगा इक्वल के साइन को दबाना है, इक्वल के साइन को आपने, इक्वल का साइन, तो इक्वल करे आपने, तो 0.833333 आ रहा है आपके कैलसी में आ रहा हूं ना, 1 डिवाइडेड 1.20 फिर इक्वल का साइन दबाए तो 0.833333 ऐसा आपके दिख रहा होगा आपको फिगर। थर्ड आपने क्या करना उसको, थर्ड अब आपने उसको m plus दबा देना, ठीक है, ये m plus करे, 1 डिवाइडेड बाय 1.20 m plus, ठीक है,
एक बार हुआ ना आपका, ये एक बार हुआ, फिर इक्वल का साइन, फिर से एम प्लस करना, दो बार हुआ, ये कितने साल है आपका, तीन साल ना, फिर इक्वल का साइन और फिर एम प्लस, और फिर उसके बाद इस तरह आप करते जाओ, फिर उसके बाद आखिरी में एमआरसी आपको दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है वहां पे, आपने कहा था 2.10 6.48 6.5 ले रहा हूं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये अपन ने कैलकुलेट कैसे करे, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, लेकिन नहीं दिया तो अपने को कैलकुलेट करना आना चाहिए, अगर नहीं दिया तो अपने को कैलकुलेट करना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देख कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर हाथ में लो, कैलकुलेटर हाथ में लो, ठीक है, कैलकुलेटर हाथ में, अब वहां पे टाइप करो 1 डिवाइडेड बाय 1.20 करें 12.833333 कुछ आ रहा है, आपने उसको क्या करना है एम प्लस, फिर इक्वल का साइन एम प्लस, फिर इक्वल का साइन एम प्लस, ऐसे इक्वल का साइन टोटल तीन बार दबाया क्योंकि थ्री इयर्स है वो, हो गया। अब उसके बाद एमआरसी आप टोटल करोगे दैट विल कम, अरे 1 डिवाइडेड बाय 1.20 इक्वल एम प्लस, हाँ टोटल फिर आपने करे तो दैट्स कम 2.10 6.48 6.5 अपन ने लिए, तो यहां पर आपने इस तरीके से आया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, सो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2.1065 तो आ गया आपका 75,834। तो देखो लोग अलग अलग है, लोग अलग अलग है और लोगों के नजरिए अलग है। आप अगर देखोगे तीन मेथड्स अपन ने भी गुडविल कैलकुलेट किए बच्चे, पहली मेथड में गुडविल अपना कितना आया, यहां आया 4,08,000 रुपए, दूसरी मेथड बोलता नलायक है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट भैया कहते ऐसा नहीं होता, आपने दूसरों से ज्यादा कितना कमाया वो एक्चुअल में यूज होना चाहिए। तो मैंने कहा सही बात है, तो उन्होंने वो फिगर यूज करे सुपर प्रॉफिट, तो उनका गुडविल आ रहा 1,08,000। फिर एनुटी बोले वो सुपर प्रॉफिट ने भी गलत करा, इनके हिसाब से इन्होंने तीन से मल्टीप्लाई करो, बोले गुडविल तो आज कैलकुलेट कर रहे थे, आज की क्या वैल्यू है, तो आपने एनुटी फैक्टर से करे उसको, बोला तो उसने वहां पे कैलकुलेट करो, फिर इसके हिसाब से गुडविल आ रही 75,834। अब आते चौथे भैया, उन्होंने बोले नहीं मैं मेरा तरीका बताता हूं कि किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट होना चाहिए। तो जो फोर्थ तरीका उसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड, ध्यान से बात मेरी बात सुनिएगा। अब मैं कहता हूं कि सबसे पहले उनके हिसाब से गुडविल इक्वल्स टू, इस मेथड के हिसाब से गुडविल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने कहा कि कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब क्या होता है, अब देखो वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब होता है कि मैंने जो प्रॉफिट कमाया, मैंने जो प्रॉफिट कमाया मैं उसको कहता हूं एवरेज प्रॉफिट, मैंने जो प्रॉफिट कमाया मैं उसे कहता हूं एवरेज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कमाने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सपोज इंडस्ट्री में सपोज वो कहता है कि है यहां पे एनआरआर लिखते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है सपोज 20%, जो भी हो एनआरआर उसको कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। एक काम करो पहले आप इसको लिख लो, फिर अभी मैं क्वेश्चन में फिगर्स लेता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ये गुडविल इस तरह कैलकुलेट कर रहा है। ओके इसको लिख लो पहले आप, ओके ठीक है। अब ध्यान से बात मेरी बात सुनो, मैंने कहा ये वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, यहां पे लिखो आप वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। तो एवरेज प्रॉफिट अपने क्वेश्चन में अपने कैलकुलेट करे थे वो था 1,36,000, 1,36,000 रुपए। फॉर्मूले का मतलब क्या उसको समझ ना, 1,36,000 रुपए, 1,36,000 रुपीज कमाने के लिए इंडस्ट्री में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए, होना चाहिए। तो मैंने कहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस में 20% क्वेश्चन में दिया, मतलब मैं आपसे कहता हूं कि 20% उसने दिया तो डिवाइड बाय 20% करो, डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस बिजनेस में
अगर किसी को 1,36,000 कमाना है तो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए 1,36,000 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100, उसका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा 6,80,000 रुपए। इसका मतलब होता है, अभी घबराना मत, मेरी बात ध्यान से सुनना, 6,80,000 रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए बिजनेस में जब कोई जाके 1,36,000 कमाता है। आप करके देखो, 6,80,000 मल्टीप्लाई बाय 20% करो, मल्टीप्लाई बाय 20% करो, दैट्स कम 1,36,000। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं कि 1,00,000 आपका 6,80,000 मल्टीप्लाई बाय आप क्या करोगे उसको 20% करो, दैट्स कम 1,36,000। तो 1,36,000 रुपए कमाना है अगर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए आप लोगों का 6,80,000। तो लोग 6,60,000 के कैपिटल, 6,80,000 के कैपिटल एम्प्लॉयड लगाए बाद 6,80,000 के कैपिटल एम्प्लॉयड लगाए बाद 1,36,000 वो लोग कमाते हैं, 1,36,000 वो लोग कमाते हैं। लेकिन हम लोगों ने 1,36,000 कमाए, कैसे कमाए हम लोगों ने, लेस हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, कैपिटल एम्प्लॉयड जो क्वेश्चन में हमारा दिया वो दिया 5,00,000 रुपए। लेकिन इसका मतलब लोग 6,80,000 के कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद 1,36,000 कमाते, हम लोगों ने 5,00,000 के कैपिटल, 5,00,000 कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ आपका। ओके, तो 5,00,000 जो आपका है वो 5,00,000 रुपए आपने कमाए, 5,00,000 के कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद आपने 1,36,000 कमाए। लोगों को 1,36,000 कमाने के लिए 6,80,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड लगता है, तो हमने तो कम कैपिटल एम्प्लॉयड में ही उतना प्रॉफिट कमा दिए बिकॉज ऑफ माय गुडविल। तो यहां पे जब आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इक्वल्स टू, आप वो दोनों का डिफरेंस भी लिख सकते हैं या मैं फॉर्मूला वाइज भी यहां पे लिखूं, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो आपका 6,80,000 माइनस 5,00,000, तो ये आ गया आपका 1,80,000 ये आ गया आपका क्या, गुडविल। तो इसमें इस तरीके से अब गुडविल का अमाउंट अगर आप ऑब्जर्व करो तो चारों ही मेथड में गुडविल का अमाउंट क्या हम लोग का अलग अलग है, लेकिन सब लोगों का अपना तरीका अलग है, अपनी सोच अलग है, उसके हिसाब से अलग अलग गुडविल वो वहां पर आया। एक और चीज आपने यहाँ पे ख्याल रखना बेटा, एक नोट लिख लेना आपने, जो एन्यूटी मेथड जो आपने लिखे ना उसमें एक नोट लिख लेना, वहां पे एक अजम्पशन लिया आपने, ओके, इट इज अज्यूम दैट इंटरेस्ट रेट इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज ट्वेंटी परसेंट पर एनम। ये जो 20% पर है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमने वही सोचे कि दैट इज इन्फ्लेशन इज ऑल्सो एट द रेट ऑफ 20%। ओके, तो उसकी आज की वैल्यू निकालने पे 20% ही वहां पे ली। ओके, सो यहां पे आपने इस तरीके से कैलकुलेट किया, तो चार मेथड अपन ने यहां पे सीखे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे कैलकुलेट करें, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। लेकिन एवरेज अगर कोई आपको ट्रेंड दिखता है प्रॉफिट में, देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट वी कैलकुलेट। सुपर प्रॉफिट में हाउ वी कैलकुलेट गुडविल, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। हाउ वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाउ वी कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एन्यूटी मेथड, सुपर प्रॉफिट गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। उसके बाद आपने कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो यहां पे हमारा गुडविल का पहला क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। ठीक है, गुडविल का जो पहला क्वेश्चन था हमारा यहां पे खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 30। अब कुछ ना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी आप लोग अभी करते जाओगे, लेकिन अभी अपने को यहां पे क्या चीज देखना, अपन सिर्फ वैल्यूएशन की बात करें, गुडविल के अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपसे भी बात नहीं किया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। ओके,
273 ओके 273 मिसेस एबी एंड कंपनी वॉन्ट्स टू वैल्यू गुडविल एज 4 ईयर. अभी अपन ने क्वेश्चन करे काफी कुछ वैसा ही क्वेश्चन ये है. मतलब यहां पे काफी कुछ वैसे ही जैसे अभी हमने करे. तो तीन मेथड से बोला सुपर प्रॉफिट क्या ठीक है. सो मिसेस एबी एंड कंपनी वॉन्ट्स टू वैल्यू द गुडविल एज 4 ईयर परचेज. 4 ईयर परचेज का मतलब यहां पे देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज अपने क्वेश्चन में दे रखा है. 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. देयर कैपिटल इंप्लॉयड इज रुपीज 1 लाख कैपिटल. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय द सिमिलर कंसर्न इज 15% पर एनम. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म. अरे यहां तो एवरेज प्रॉफिट में भी उसने मेहनत नहीं करा अपने को. एवरेज प्रॉफिट भी उसने अपने को दे रखा है ठीक है. फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो आप एक्सपेक्ट करते फ्यूचर में इस तरह प्रॉफिट होगा. ओके कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट. मतलब वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो राइट डाउन फर्स्ट एबीसी ए गुडविल इक्वल्स टू. तो आप कैसे सुपर प्रॉफिट मैथड से कैलकुलेट करें. सुपर प्रॉफिट मैथड सबसे पहले आपका नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आपका क्वेश्चन में दे रखा है. कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 1 लाख मल्टीप्लाई बाय आपका एनआरआर है 15%. तो ये आएगा आपका 15,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट. उसके बाद एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कितना है यहां पर 20,000. सो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज 20,000 गिवन इन क्वेश्चन. नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करे 15,000 रुपये. तो टोटल आता आपका 5,000 रुपये. ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट. देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. सो सुपर प्रॉफिट 5,000 आपने कैलकुलेट करे. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दे रखा उसने कितना 4 साल 4 ईयर्स. तो 4 तो गुडविल आ गया आपका कितना 20,000. ओके 20,000 इज गुडविल. सिंपल है कुछ भी नहीं अपने पहले भी सुपर प्रॉफिट पे की. सेकेंड बी पॉइंट वो उसने कहा कैपिटलाइजेशन मैथड. कैपिटलाइजेशन मैथड वैल्यू ऑफ द बिजनेस इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100. एवरेज प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में 20,000. एनआरआर दिया है 15%. तो 20,000 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100 133,333. ओके कैपिटल एम्प्लॉयड वो क्वेश्चन में दे रखा उसने अपने को 1 लाख. सो गुडविल इक्वल्स टू वो दोनों का डिफरेंस है ना वैल्यू ऑफ बिजनेस ऐसे लिखोगे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 33,333.
33,333 वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉय. ओके, थर्ड कौन सी मेथड से कहा उसने, एन्यूटी मेथड. एन्यूटी मेथड, अब एन्यूटी मेथड देखे, देखो यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ रुपी वन फॉर फोर इयर्स इज एट 10%. यहां पे 10%, यहां पे एनआरआर 15% है. ये आपका एन्यूटी फैक्टर में यहां पे 10% दिया, पिछले क्वेश्चन में से नहीं दिया, तो अपन 20% ही एनआरआर को अपन यहां पर भी 20% ही कंसिडर कर लिए थे. ओके, सो अब यहां पे अजम्पशन भी लिखे थे अपन. अब ध्यान से, अभी 3.169 इसने कैसे लाया, आप अभी इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं. आप कैसे लाया इसने, फर्स्ट स्टेप 1/1.10 टाइप करो कैलसी में, 1/1.10 10% इसलिए 0.10 आया. तो इक्वल का साइन, इक्वल का साइन दबाए, उसके बाद एम प्लस, इक्वल का साइन एम प्लस, एक बार हुआ अपने को. कितने साल का ही, 4 साल का. सो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है, 4 इयर्स. सो फिर इक्वल का साइन एम प्लस, 2 बार हुआ. फिर इक्वल का साइन एम प्लस, 3 बार हुआ. फिर इक्वल का साइन एम प्लस, 4 बार. अब एम आर सी करो टोटल, दैट्स कम 1.1 divided by 1.10 इस एम प्लस 2, 3, 4 3.1698 आ रहा है. देखो यहाँ पे 3.169 वैसे कैलकुलेट इसने दे दिया वो अपन भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने किए लेकिन यहाँ पे दे रखा, अच्छी बात है. तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर ओके. तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था अपना, इसमें कैलकुलेट किया ना अपने क्वेश्चन, कितना है 5,000 रुपए, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3.169 वो आता है आपका 15,845. ओके, अब इतना आपने लिखे तो अलग अलग मेथड से अपने को यहां पे गुडविल को कैलकुलेट करना है. अब उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 15. देखो एग्जामिनेशन में आ सकता है, देखो ये आरटीपी के क्वेश्चन है, तो ये आरटीपी अभी बहुत से क्वेश्चंस कराना है मेरे को गुडविल के ऊपर, वैल्यूएशन के ऊपर ही कराना, फिर वो अकाउंटिंग एक अलग पार्ट आएगा, फिर अकाउंटिंग पे देखेंगे. अब क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18 तक ही, ये सिर्फ वैल्यूएशन वाले ही. ओके, लेकिन देखो हो सकता है कि वो एग्जामिनेशन पे इस पे क्वेश्चन आ जाए, 5 नंबर के आ जाए कि वैल्यूएशन बताओ, अमाउंट बताओ गुडविल के, अलग अलग मैथड बिल्कुल हो सकता है एग्जाम में. ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत घासी हो रही ना. ओके, ठीक है, अब आएंगे. आई होप आप लोग को बराबर सारी चीजें समझ में आ रही. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. जेएनकेआर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल आर जे रुपीज 3 लाख एन के रुपीज 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2017. द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000. Assuming that the normal rate of return is 20%, calculate the value of goodwill on the firm by which method? Capitalization method. Capitalization method से बोला, और दूसरा super profit method if goodwill is valued at 2 years purchase. Oh, simple. तो अब आप पहले लिखेंगे यहां पे question number 15. Value of the firm equals to average profit divided by
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। सो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया क्वेश्चन में, दिया एवरेज प्रॉफिट, हाँ ये दे रखा है उसने 1,50,000 रुपए का और एनआरआर इज 20%। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, दैट्स कम 7,50,000। उसके बाद यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आपका, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है यहां पे, इस यहां दो पार्ट है, एक का 3,00,000 और एक का कैपिटल है 2,00,000, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 5,00,000 रुपए। तो ये 5,00,000 रुपए कैसे कैलकुलेट किया आपने, एक पार्टनर का है 3,00,000 कैपिटल, दूसरे पार्टनर का है 2,00,000, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 5,00,000। तो ये आगे दोनों का डिफरेंस है गुडविल ऑफ द फर्म अंडर कैपिटलाइजेशन मैथड। सो गुडविल विलकम 2,50,000। तो हाउ वी कैलकुलेट गुडविल, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वही चीज वहां पे करें, आप चाहे तो नीचे लिख सकते गुडविल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 7,50,000 माइनस 5, दैट विल कम 2,50,000। सेकंड उसने जो पूछा अपने को सुपर प्रॉफिट मैथड, ओके सुपर प्रॉफिट मैथड, सुपर प्रॉफिट मैथड। सो सबसे पहले हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड है क्वेश्चन में 5,00,000 रुपए, 3 और 2 और एनआरआर है 20%, तो यार आपका 1,00,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है कितना दे रखा है, 1,50,000 रुपए। सो एवरेज प्रॉफिट गिवन 1,50,000, ओके सो यह सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट इज 1,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 1,00,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 50,000 रुपए, ओके सो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे कैलकुलेट करते, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सो सुपर प्रॉफिट इज हाउ मच, 50,000, नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया इसने 2 ईयर्स, सो मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स, तो ये आ गया आपका 1,00,000। सो गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से कितनी आ रहा है आपकी, 1,00,000 रुपीज, ओके लिखे आपने इतना। अब सिंपल है, अभी जो जो मेथड से पूछा उसको अपने को करना रहेगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16 नाउ, द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द प्रीवियस ईयर्स आर, 2015 में प्रॉफिट था 10,000 रुपए का, फिर 2016 में लॉस था 17,000 रुपए का, 2017 में प्रॉफिट था 50,000 रुपए का और 2018 में 75,000 रुपए का क्या था आपका प्रॉफिट था। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज रुपीज हाउ मच, 2,00,000। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वहां पे क्वेश्चन में दे रखा उसने 2,00,000 रुपए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 10%, द रेम्युनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर रुपीज 6,000 पर एनम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बिजनेस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ 3 ईयर्स। अब अपने कहा पे क्या वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मैथड उसने कहा है, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट।
ओके एक, क्योंकि अपने को सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। सो आप लिखेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 16273। सो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है क्वेश्चन में, उसने अपने को देखेंगे यहां पे आप ये दिया उसने। देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है बच्चों, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है आपका ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टू इज एवरेज कैपिटल। तो वो दिया तो एवरेज आपको लेना रहेगा। कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला भी एवरेज लो तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में देगा, तो विल टेक वहां पे एवरेज, वहां पे अपन लेंगे फिर। ठीक है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे दिया 2,00,000 रुपए। सो यहां पे 2,00,000 जो दिया है वो लेना अपने को। उसने एवरेज बोला तो एवरेज ले, एवरेज दिया तो एवरेज ले लेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है क्वेश्चन में दे रखा है, 10%। सो ये आ गया आपका 20,000 रुपए। अब एवरेज प्रॉफिट ने डायरेक्ट नहीं दिया, 3 साल के प्रॉफिट और लॉस दिया, तो एवरेज निकालना रहेगा। सो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 2000। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट दिया 2015, 16, 17, 18, और यहां पे उसने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। ये क्या बात हुई भाई? देखो यहाँ पे ध्यान से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 2 ईयर्स, वो एक दूसरी चीज है 2 ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 ईयर, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। लेकिन वो कहता है कि पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का अपने को बेस मानना, लेकिन क्वेश्चन में अपने को उसने दिया कितना है, क्वेश्चन में उसने अपने को दिया, देखो यहां से दिया 2015 से दिया, तो 2015, 2016, 2017 और 2018 4 साल का क्वेश्चन में दिया, तो अपने को 3 ईयर्स बोला था, पिछले 3 साल ही लेंगे, ये नहीं ले लेंगे 2015 को, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में उसे 3 ईयर्स बोला, 4 ईयर्स पर बोलता अगर यहां पे बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ 4 ईयर, तो फिर मैं 2015 भी लेता, 2015 मत लेना क्योंकि 3 ईयर्स बोला, तो पिछले 3 साल ये आपके 2018 लेटेस्ट है, फिर 17 और फिर 16, इसको लेना रहेगा, क्या गड़बड़ नहीं करना। नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग चीज है, वो 2 ईयर्स है, मल्टीप्लाई विल बी मल्टीप्लाई, जो सुपर प्रॉफिट को करेंगे उसको अपन किससे करेंगे, 2 से। ओके सो यहाँ पे 2016 का प्रॉफिट कितना है आपका, अच्छा लॉस है 2016 में 17,000 रुपए का, ठीक है, 2016 में लॉस है 17,000 रुपए का। उसके बाद आपका 2017 में प्रॉफिट है 50,000 रुपए का, 2018 में प्रॉफिट है 75,000 रुपए का, और एवरेज प्रॉफिट, एवरेज तो आपके 3 साल का प्रॉफिट और लॉस लिया, उसका फिर एवरेज निकाले डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 तो वो आ रहा है आपका 36,000। तो ये एवरेज प्रॉफिट इज 36,000। अब आप यहां पे कैलकुलेट, एक और चीज है इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे उसने ऑल्टरनेटिव है, यस द रेम्युनरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, द रेम्युनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इज 6,000 पर एनम। तो 6,000 रुपए उसका रेम्युनरेशन ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट में से, तो अपने को क्या करना है कि बिजनेस में से क्या जनरेट हो रहा है, तो यहां पे इसलिए 6,000 रुपए माइनस करेंगे, तो यहां पे लेस एवरेज प्रॉफिट निकाले, और यू कैन से एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल इस तरह भी लिख सकते हैं आप, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट फॉर, ये आपने लिखे 36,000। ओके ये आप ये तो इसमें से ऐसे ही करो, डायरेक्ट करो, एक लिखो, जस्ट 1 मिनट, लेस ऐसे लिखो, लेस रेम्युनरेशन, ठीक है, रेम्युनरेशन कितना है आपका, रेम्युनरेशन
6,000 rupees आई थिंक फॉर द प्रोपराइटर. ओके प्रोपराइटर वो दिए 6,000 रुपए ना. ओके अब वो 6,000 रुपए यहां पे क्या कहता है आपसे कि यहाँ पे फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट 6,000 रुपए कमाता है. तो भाई 6,000 रुपए उसमें से हटा दो, बिजनेस में से कितना हो रहा है 36 माइनस 6 आप करोगे तो दैट विल कम 30,000. तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट इज 30,000. अब यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट क्यों अपन ने 6,000 रुपए माइनस करे आपको समझ में आया बेटे? क्योंकि ऑल्टरनेटिव को बिजनेस में से 6,000 रुपए अगर वो उसका है तो भाई आप बिजनेस में से कितना जनरेट कर सकते हैं, बिजनेस में से कितना जनरेट हो रहा है आपका, दैट्स कम 30,000, 36 माइनस 6,000. ओके तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट है 30,000. तो ये आप बल्कि यहां पे लिख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट, ये आपका था एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल 36,000. यहां पे बल्कि आप लिख लो एवरेज प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख लेना फॉर गुडविल, फॉर गुडविल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो 30,000 माइनस 20,000 इज नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आ गया आपका 10,000 रुपए. सो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज. सो सुपर प्रॉफिट इज 10,000, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 इयर्स. सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट्स कम 20,000. ओके छोटे छोटे क्वेश्चन है दैट्स कम 20,000. ओके ओके अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17. वैसे क्वेश्चन नंबर 17 ना काफी कुछ उसके जैसी अभी जो अपन ने करी, मैंने होमवर्क में देना था ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चीज अलग ठीक है, क्लास में आ गया वैसे इंस्टीट्यूट मटेरियल का भी क्वेश्चन ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 पेज 274. ओके लिखे आपने इतना, क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 274. अब देखो क्या कहता है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौड़. कैपिटल इन्वेस्टेड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 150,000 का. ट्रेडिंग रिजल्ट 2016 में प्रॉफिट है 40,000, 2017 में प्रॉफिट है 36,000, 2018 में लॉस है 6,000 का, 2019 में फिर प्रॉफिट उनको कितना 50,000 रुपए का. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस 2%. ओके उसके बाद आपका रेमुनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इफ नॉट एंगेज इन बिजनेस दैट इज ₹6,000 पर एनम. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट ऑन एवरेज प्रॉफिट. अच्छा एवरेज प्रॉफिट आपने को लेना है ठीक है. तो पिछले क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट था, वहां पे सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट ये सब अपने कैलकुलेट किए थे. ओके तो सबसे पहले अपन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे यहां पे. सो हियर एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, अच्छा एक और चीज, एवरेज प्रॉफिट कितने साल का बोला, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स बोला. चलो ठीक, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 40,000 प्लस 36,000 प्लस वो 6,000 रुपए लॉस है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखना, वो 6,000 इज लॉस प्लस 50,000.
यहाँ पिछले 4 साल का ही बोले, इसलिए पूरा लेंगे, डिवाइडेड बाय 4, तो 40 प्लस 36 माइनस 6 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका 30,000 लेस रेम्यूनरेशन जो उसको आ रहा है ना फॉर द प्रोप्राइटर, कितना अमाउंट है? 6,000 रुपीज। ओके, तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका? तो रेम्यूनरेशन फॉर द गुडविल, वैसे उसने यहां पे, अच्छा सुपर प्रॉफिट ही का है ना, वही मैं कह रहा, कैपिटल एम्प्लॉयड सब दे रखा उसने, ठीक है। सो रेम्यूनर या एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट से ही करना है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट फॉर द गुडविल, ट्वेंटी फोर थाउजेंड नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस, सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। सो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया 150,000 मल्टीप्लाई बाय एनआरआर इज आपका, यहां पे देखें एनआरआर आपको कितना दिया यहां पे, 10% मार्केट रेट है, और आपके रेट ऑफ रिस्क रेट है, रिस्क का आपका 2% एडिशनल मिल रहा है, तो टोटल इज 12%, 150,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, दैट्स कम 18,000, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका 24,000 - 18,000, यह आया आपका 6,000 रुपये। ओके, अब गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ओके, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सो हियर सुपर प्रॉफिट कितना उनका 6,000 रुपये, नंबर ऑफ इयर्स परचेज उनका क्वेश्चन में दे रखा उसने अपने को, हाउ मच नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज एवरेज प्रॉफिट 5 इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 5 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 5, तो गुडविल आया आपका 30,000, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, सो एक और चीज ख्याल रखना, डोंट गेट कंफ्यूज यहां पे कि आपको जो इससे जो ना रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई और वो काम करता है 6,000 रुपये कमाता, तो आप उसका रेम्यूनरेशन यहाँ पे 6,000 रुपये दे रहे हो इसलिए आपने क्या करें यहाँ पे 6,000 रुपये इसमें से यहाँ पे इस तरह माइनस करें आपने, ओके, दैट्स कम 24। अगर आप ऐसा ना करते तो हर साल भी 6-6 अगर माइनस करते ना, तो वो इतना ही आता था बेटा, वो इतना ही आता था 24,000। ओके, जैसे कि यहाँ पे 40,000 है, तो ये आपका 40 - 6 करते हो, दैट विल कम 34,000, 36 - 6 तो 30,000। अभी आपका लॉस था, तो ये लॉस और बढ़ जाता था आपका, तो ये आ जाता था आपका 12,000, तो -12,000, फिर आपका वहां पे ये आ जाता था आपका 50 - 6 44,000 डिवाइडेड बाय, आप उसको 4 करते तो देखो 24,000 ही आता था, तो आप इसमें से भी एक एक करके भी 6 माइनस करते थे, तो फिर वो एवरेज 24, अपने यहां पे एवरेज निकाल लिया, इसमें से फिर आपने 6 माइनस कर लिया। ओके, सो यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों का खत्म होता है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18 उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ गुडविल शुरू होंगे। फिर रिमेंबर जब हमने सेशन आज यहां शुरू करे थे, तो वहां पे किस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि दो चीज गुडविल में देखना है, एक वैल्यूएशन, अभी अपन वैल्यूएशन ही पढ़ रहे, ठीक है, फिर वो अकाउंटिंग के बारे में अपन बात करेंगे। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18, देखो सब आरटीपी के क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में इंस्टीट्यूट दे देंगे 5 नंबर के लिए, तो 274
क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 274। ओके, क्या कह रहा हूं आपसे, वासुदेवन, सुंदरा राजन एंड अग्रवाल आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एट द रेशियो ऑफ 2:5:3। द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप एज ऑन 31 December 2019 वॉज एज फॉलो। बैलेंस शीट आप वासुदेवन सुंदरा राजन एंड अग्रवाल, कैपिटल वासुदेवन 85,000, सुंदरा राजन 3,15,000, अग्रवाल 2,25,000, ट्रेड पेबल 30,000, एसेट साइड सेंट्री फिक्स एसेट 5,00,000, इन्वेंट्री 1,00,000 एंड ट्रेड रिसीवेबल 50,000 और बैंक है आपका 5,000। उसके बाद कहते हैं पार्टनरशिप अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,00,000 इन 2019 एंड द पार्टनर्स विड्रॉ रुपीज 1,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो उसने प्रॉफिट दिया 2019 का आपको कितना, 2,00,000 रुपए पार्टनर से विड्रॉ करें, मतलब ड्रॉइंग्स था 1,50,000 रुपए की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट यूजिंग व्हाट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो जब अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालते ना, वी ऑल नो रियली सॉरी हाउ वी कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, फिर हाउ वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, देन सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, देन गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एवरेज कैपिटल वो क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जब आप कैलकुलेट करते हैं दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। अब उसने कहा कि इसके लिए लेकिन यहां पर आप जब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड जो रहेगा, उसने अपने से कहा कि वो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिडर करो, वो बोलता है उसके लिए। अब क्वेश्चन, आप बोलेंगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड मैं बता सकता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपके साल के आखिरी में तीनों पार्टनर के कैपिटल को ऐड करो, दैट विल कम कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपका वो आ जाएगा। ठीक है, वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ जाएगा कितना आएगा, 85 + 3,15,000 + 2,25,000, 6,25,000। लेकिन ये 6,25,000 जो है आपका, ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। उसने लेकिन कहा ऐसा काम नहीं चलेगा, उसने कहा कि एवरेज लो। उसने क्या कहा, उसने कहा अपने से एवरेज लो। अब ये दिक्कत है, तो अब क्योंकि उसने ओपनिंग दिया रहता तो एवरेज निकाल लेते ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस डिवाइड बाय टू करते तो एवरेज आ जाता था। लेकिन यहां पर एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टू इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन मैं को सर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, दैट इज 6,25,000। आप मेरे को ओपनिंग बताओ तो मैं एवरेज निकाल लेता हूं, क्वेश्चन में ओपनिंग दिया नहीं है। लेकिन एक तरीका होता है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, आरटीपी में आया, कोई भी अटेम्प्ट में एग्जाम इंस्टीट्यूट को 10 नंबर का भी दे सकती, 10 नंबर का भी दे सकती। अब इसमें अपने को दिक्कत है इस क्वेश्चन में कि एवरेज तो मैं निकाल लेता अगर मेरे को ओपनिंग देता तो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू करता तो मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आता। क्लोजिंग मेरे को पता, ओपनिंग दिया नहीं, तो मैं कैसे निकालू अब एवरेज। मगर आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है उसने, और उसने क्या दिया, पार्ट ड्रॉइंग्स दिया है। तो मैं आपको, क्योंकि ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में आप जा रहे हो तो कैसे जाते हो, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इस क्लोजिंग होता है ना। हाँ, तो आपने यहाँ पे अब देखो किस तरीके से आपको कैलकुलेट कराने का, तो पहले ना मैं आपको एक लिख रहा हूं कोई चीज, उसको आपने लिख लेना बेटा। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और एक तरीके से अपन निकाल सकते जब अपने को ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। अब लिखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर अपने को ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया तो एवरेज कैसे निकाल सकते, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड
प्लस 1/2 ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ओपनिंग से क्लोजिंग जा रहे हो आप बेटा, तो प्रॉफिट ऐड होता है, ड्रॉइंग्स माइनस होता है ना, लेकिन यहां पे 1/2 क्यों लिया, क्योंकि एवरेज अपने को लेना, तो प्लस 1/2 ऑफ प्रॉफिट ऑन माइनस 1/2 ऑफ ड्रॉइंग्स। क्यों ऐसा 1/2 करो, क्योंकि एवरेज है। अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लोजिंग पता ओपनिंग नहीं पता, तो कैसे निकालो, जैसे अपने क्वेश्चन में हुआ, तो उस केस में आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अब आप पीछे से आ रहे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस करना पड़ेगा आपको प्रॉफिट, क्योंकि आप देखो ओपनिंग से क्लोजिंग में जाते, तो ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इज क्लोजिंग, लेकिन अब अभी आप यहां पे कैसे आ रहे हो, आप आप अभी क्लोजिंग से ओपनिंग पे आ रहे हो। ओके, सो माइनस 1/2 ऑफ प्रॉफिट अर्न, रिवर्स आर प्लस 1/2 ऑफ ड्रॉइंग्स। ओके, तो ये आपने 1/2 का क्यों कर रहे हैं यहां पे, क्योंकि एवरेज निकालना है, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन जैसे दी उसके हिसाब से देता, जब ओपनिंग क्लोजिंग बोथ अगर क्वेश्चन में दिया है तो ऐसे एवरेज निकाल लेना, अगर आपको ओपनिंग दिया है क्लोजिंग नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला लग गया, क्लोजिंग दिया ओपनिंग नहीं दिया, तो ये मैं बताऊं लिखूं यहां पे, व्हेन व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन, व्हेन ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन, तो ये फॉर्मूला। ओके, इसको आपने ख्याल रखना। देखो आरटीपी के क्वेश्चन है, आई थिंक इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी क्वेश्चन नहीं दिए हुए, आई एम नॉट श्योर के दिए हुए के, मगर मेरे को ऐसा लगता है बहुत अच्छे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में इंस्टीट्यूट में 10 नंबर के दे, इसलिए होता है ना कि जब आप क्वेश्चंस करो ना तो कहीं के छूटना नहीं चाहिए कोई चीज, तो एज ए टीचर ऐसे जिम्मेदारी मेरी भी रहती है कि हर जगह के क्वेश्चंस प्रॉपर आपके नोट्स में आना चाहिए, वो एग्जाम में तो इंस्टीट्यूट कहीं कभी उठा के दे सकती है ना। ओके, किए इतना। ओके, अब देखो इसको आप लिखेंगे आगे, देखो ऐसे ओपनिंग से जब क्लोजिंग में आ रहे तो ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स होता है। आप कैपिटल अकाउंट इमेजिन करो, कैपिटल अकाउंट इमेजिन करो, ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, ये ओपनिंग, इसमें प्रॉफिट आता है और ये ड्रॉइंग्स रहा, तो यहां पे आप कैपिटल को कम करते हो और ये क्लोजिंग आता है, तो मेरे को ओपनिंग से क्लोजिंग पे आना, तो ओपनिंग प्लस प्रॉफिट, तो देखो ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स से क्लोजिंग पे, लेकिन आप 1/2 इसलिए करते हो क्योंकि एवरेज ले रहे, अभी क्लोजिंग पता था, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे जाना अपने को, तो प्लस ड्रॉइंग्स, तो यहां पे देखो प्लस ड्रॉइंग्स हुआ माइनस प्रॉफिट, क्योंकि ये डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड, तो माइनस क्या करोगे प्रॉफिट, तो ओपनिंग पे पहुंचे 1/2 के लिए, क्योंकि आपको एवरेज वहां पे लेना है। ओके, अब आप आते अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है, आपने यहाँ पे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, ठीक है, और उसने बोला कि एवरेज कंसीडर करना है आपको, आप जब गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, तो ठीक है अपन पहले अपन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आप ऐसा बोले, इसकी भी टोटल कर सकते हो, ये 85,315,225 और अगेन से टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी विल बी कैपिटल एम्प्लॉय, सो टोटल एसेट माइनस ट्रेड पेबल एज ऑन 31 December 2019, तो 6,55,000 इज टोटल एसेट, सही कह रहा हूं, 6,55,000 माइनस 30,000, और अभी तीनों की भी टोटल कर सकते थे, माइनस
हाँ 30,000, सो माइनस 30,000, सो ये आता आपका 6,25,000। अब अपन कौन से तरीके पे ख्याल रखना, ये इस पे अपन, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब माइनस हाफ ऑफ प्रॉफिट लेस हाफ ऑफ द प्रॉफिट अर्नड इन 2019। तो प्रॉफिट कितना अर्न किया आपने साल 2 लाख रुपए का, सो 2 लाख्स मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आया आपका 1 लाख रुपए। एड हाफ ऑफ द ड्रॉइंग और हाफ ऑफ द अमाउंट withdrawn by partners, that is rupees 1,50,000 ka 1/2, so that will come 75,000. So, ये आपका एवरेज प्रॉफिट कह रहा हूँ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, दैट इज 6,25,000 माइनस 1 लाख प्लस 75, 6 लाख। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज द सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में दिया आपको 2 लाख रुपए, वो तो 2 लाख रुपए दिया है, वही एवरेज मानेंगे अपने पिछले सालों के ऊपर प्रॉफिट दिया नहीं उसने। नॉर्मल प्रॉफिट सी है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर, मगर कैपिटल एम्प्लॉयड में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है, तो अपने कैलकुलेट की 6 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज हाउ मच 30%, टू लैक्स माइनस 1,80,000, दैट्स कम 20,000। आगे पर सुपर प्रॉफिट, सो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, सो सुपर प्रॉफिट इज 20,000। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है आपका, नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज 5 इयर्स, सो इट विल कम 1 लाख। ओके, सो यहां पे ये आ गया आपका एक, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ऐसा आपके आरटीपी में दिया हुआ है। ओके, सो आज हम लोग ने जब ये सेशन शुरू किए थे तो क्या बात किए थे कि दो चीज के बारे में, एक वैल्यूएशन, गुडविल का अमाउंट कैसे तय करना, अलग अलग मैथड, तो मैथड तो हमने बहुत से क्वेश्चन हमने किए। अभी सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में अपन अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, उस पर जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिए हुए हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 19, 20, जो भी जितने भी क्वेश्चन दिए, जो भी अलग अलग कुछ और कंसेप्ट भी छोटे छोटे, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो ये सेशन हम लोगों का यहाँ पे खत्म होता है, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा अच्छा होमवर्क, वेट, हाँ अच्छा चलो ये तो करोगे तुम, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 15, जनरल एंट्री जैसा पूछा फिर आगे नहीं, अभी मत करो उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिर्फ आपका होमवर्क है आज, आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, जनरल एंट्री शो तो जनरल एंट्री से पूछा है, फिर 17 में क्या पूछा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अग्री टू बी गिवन टू एच, अच्छा ठीक है, मैं अगले सेशन में अपन बात करेंगे 16, 17 की, एक सेकंड रुको। ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 आप करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 15 तो कर सकते ना, यहाँ पे सिंपल है। हाँ सॉल्यूशन भी दे रखा है उसका, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, वो आप कर लो, बस 15 ही करो। उसके तो एंट्रीज वाला ना मैंने सिखाया नहीं अकाउंटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सिर्फ 15 करेंगे आप। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।